हर हर शंकर, जय जय शंकर। आज दर्शन करेंगे तारकेश्वर में स्थित तारकनाथ मंदिर के। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर तारकेश्वर पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। तारकनाथ भगवान शिव के नामों में से ही एक है। इस प्रसिद्ध तारकेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। कहा जाता है कि यहाँ भक्तजन भगवान से जो भी मांगते हैं उनकी इच्छा पूर्ति जरूर होती है। इस मंदिर का निर्माण साल 1729 में हुआ था। यह बांग्ला वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह के आगे बरामदा बना हुआ है। मंदिर के बगल में एक विशाल सरोवर है। इस सरोवर को दूध पुकुर कहते हैं। पूजा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं में से काफी लोग पहले इस दूध पुकुर में स्नान करते हैं और फिर पूजा करते हैं। इस मंदिर का पौराणिक महत्व भी बहुत है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने तारकेश्वर के पश्चिम दिशा की ओर एक कुंड खोदा था और वहां शिवलिंग की स्थापना करके उनकी आराधना की थी। ऐसी भी मान्यता है कि तारकेश्वर देवी लक्ष्मी का मूल निवास स्थल है। देवी लक्ष्मी यहां देवी सरस्वती के साथ वैष्णवी रूप में भी निवास करती हैं। मंदिर के बारे में एक कहानी है कि भगवान शिव का एक भक्त विष्णुदास उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर से यहां पहुंचा था। हालांकि हुगली के स्थानीय लोगों ने किसी मुद्दे पर इस सीधे सच्चे इंसान के पूरे परिवार पर शक किया। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उसने अपने हाथ को गर्म लोहे के छड़ से जला दिया। कुछ दिनों बाद उसके भाई ने पास के जंगल में एक ऐसा स्थल तलाशा जहां गाय अपने आप जाकर दूध देने लगती थी। भाई को यह पता चला कि जहां गाय दूध देती है वहां एक शिवलिंग स्थित है। यह एक स्वयंभू शिवलिंग है। इसके बाद विष्णुदास को स्वप्न में आया कि यह स्थल तारकेश्वर का स्थान है। विष्णुदास ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की और उसे लोगों के कोप से मुक्ति मिली। बाद में गांव के लोगों ने वहां पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। वर्तमान मंदिर राजा भारमल का 1729 का बनवाया हुआ है। महाशिवरात्रि और चैत्र संक्रांति के समय तारकेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा सावन के महीने में यहां पूरे माह कांवड़ लेकर आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तारकेश्वर कोलकाता शहर के पास हावड़ा रेलवे स्टेशन से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। रोज सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक इस मार्ग पर लोकल ट्रेनें चलती रहती हैं। आमतौर पर हर घंटे तारकेश्वर मार्ग पर आपको लोकल ट्रेन मिल जाएगी। लोकल ट्रेन से पहुंचने में 1.5 घंटे का वक्त लगता है। इसी तरह वापसी के लिए भी दिन भर लोकल ट्रेन मिलती है। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी महज 0.5 किलोमीटर है, इसलिए मंदिर तक पहुंचना कोलकाता से काफी सहज है। मंदिर के आसपास छोटा सा बाजार भी है। यहाँ पूजन सामग्री की दुकानें, प्रसाद की दुकानें, शाकाहारी भोजनालय और रहने की धर्मशालाएं भी हैं। तारकेश्वर मंदिर में अलग अलग तरह के संस्कार करने के लिए दरें मंदिर के बोर्ड पर अंकित की गई है। मंदिर के बोर्ड पर दिखाई देता है कबूतर उड़ाने की रस्म। कई लोग किसी तरह की मनौती पूरी हो जाने के बाद मंदिर में आकर पक्षी उड़ाने की भी मनौती मानते हैं। इसके अलावा भी कई तरह की रोचक मनौतियां मानी जाती हैं। इनमें से एक है ढोलक बजवाने की मनौती। यह भी किसी तरह की मन की मानी हुई बात पूरी होने पर संपन्न कराया जाता है। मंदिर परिसर में काफी बोर्ड हिंदी में लगे हुए दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ हिंदी प्रदेशों से काफी श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर सप्ताह के 7 दिन सुबह 6 बजे खुल जाता है और दोपहर को 1:30 बजे तक खुला रहता है। फिर शाम को 4 बजे खुलता है और 7 बजे बंद हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन 24 घंटे मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। मिलेंगे अगले सोमवार को ऐसे ही किसी बाबा के प्राचीन मंदिर में। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा की तरह जपते रहिए। हर हर महादेव।